तो मैंने उस 1 लाख रुपए से क्या लिया वो मम्मी, चलो मम्मी आप ही बताओ। आप देख सकते हैं इधर तो हो गया है और ये हमारी आर्च जो ये डिजाइनर ये भी हो गई। अर्जुन के बर्थडे के लिए हलवा भी रेडी हो चुका है। मम्मी सबसे पहले कुछ ना कुछ बना के और भगवान को भोग लगाती है और ये सब कुछ, मतलब सालों से हमारे यहाँ पे यही चला रहा है। मम्मी हमेशा सबसे पहले खुद ही अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना के और भोग लगाती है। बर्थडे की खुशी में आप लोग है ना क्या सफाई हो गई पुते ही ना। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूं प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। और गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह का समय है और चाय बन गई है, दादी सा वगैरह सबको पकड़ा दिए, मेरी और अर्जुन की चाय है और राधिका गई है स्कूल और इसी तरह से सुबह का काम का शुरू हो चुका है। बाहर पेड़ पौधों में पानी वानी सब निपट गया, आप चाय पीते हैं शांति से बैठ के। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और आज है अर्जुन का बर्थडे, तो अर्जुन के बर्थडे में सबको उसने पांव छू के आशीर्वाद तो ले लिया है और अर्जुन को हमने गिफ्ट भी दे दिया है, तो बाद में बताऊंगी, चलिए पहले चाय पी लेते हैं। तो आज है सर्व पितृ श्राद्ध, तो आज इस दिन जो भी मतलब बड़े बूढ़े उनके लिए हम वो बना लेते हैं तो वो सब उनको मिल जाता है, तो उनको भी याद कर लेते हैं। अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध होता है, जो भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर बना दी है, ये देखिए खीर बन रही है। और आज अर्जुन का बर्थडे, वैसे तो नवरात्रि में आता है पर अब की बार अधिक मास की वजह से थोड़ा आगे सरक गए तो श्राद्धों में, तो आज अर्जुन के बर्थडे के हलवा अलग से बनाऊंगी और भोग लगाएंगे भगवान को, वो अलग से और घी अलग से बना रही हूँ, तो दोनों चीजें हो जाएंगी साथ। तो फ्रेंड्स ये तो मैं कर ही रही थी किचन में, तो जैसे ये जो बाहर है इसके पापा आए दूध लेकर, और पेंटर आ गए। और मैंने कहा पेंटर आ गया, अभी इतने दिन से फोन कर रहे थे उठा ही नहीं रहा था, मेरे कोई और सा काम चल रहा था और वो आज आया कि आज के दिन थी सब उसको, मैंने कहा कल बुला लेना, वो तो घोड़े है पार्टी है वो सब लेके आ गया, लगा भी दिए। और भाई हम तो ये ना करने लगे आज आज निबेड़ देंगे, ये ऐसा होता है ना, ये जो निबेड़ देते बोलता ना तो बहुत हलचल मच जाती है मुझे, क्योंकि आसानी से नहीं करते काम, बहुत बिखेरे करते हैं और उसको अवेयर ना पड़ता है वो मुझे पता है। तो वो अब मैंने कहा ये उसके पापा कहने नहीं नहीं भाई आ गया है तो अब आज करा लो, और फिर ये 4 दिन टाल देगा, तो मैंने कहा भाई कराओ चलो सब काम साथ ही होने यार। तो यहाँ पे हमारी खीर रेडी हो गई है और यहाँ पे बन गई हमारी पूड़ी। हलवा हमारा सिक गया है, ये देखिए बेसन और आटे का, तो अब इसमें डालेंगे दूध। तो ये देखिए घी छोड़ दिया है और कढ़ाई छोड़ने लग जाता है, मतलब कि हमारा हलवा रेडी हो गया ये देखिए। और दूध डालने से बहुत टेस्टी बनता है ये, इसमें इलायची पाउडर मैंने ऑलरेडी डाल दिया, थोड़ी सी केसर भी डाल दी और अब डालूंगी थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा डाल चुकी हूँ मैं, थोड़ा और डाल देते हैं। काजू बादाम आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो थोड़े बहुत काजू के टुकड़े डाल देते हैं। अर्जुन के बर्थडे के लिए हलवा भी रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके दादू सब बोलते थे कि चाहे कुछ भी मिठाई हो घर का बना हुआ हलवा भगवान के भोग लगाना चाहिए, तो वो भी रेडी कर दिया मैंने और अभी इसको मैं भगवान को अब भोग लगा दूंगा। वो हलवा तो चढ़ा दिया और जलेबी भी लाए थे तो वो भी चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए बर्थडे की तो हो गई है कलर सब, ये ऊपर व्हाइट हो गया, यहाँ पे ये येलो कलर था ये हो गया है, देखिए छींटे वींटे डाले थे तो मैंने साफ कर दिए हैं और नीचे की भी देखिए मैंने सफाई कर दी है। अभी बाहर तो बहुत अभी कचरा पड़ा है क्योंकि अभी वो बाहर की साइड में करेगा, तो मुझे क्या कहीं चैन ही नहीं पड़ता, मैंने कहा भैया अंदर का तो बरंडा तो कर देता तब तक, तो ये तो मैंने कर दिया है और खिड़कियाँ वगैरह साफ कर दी, इन पर क्या छींटे होते हैं और इनको तुरंत नहीं पहुँचे तो जम जाते हैं, तो फटाफट से जल्दी गीला गीला ही पहुँच पाओ तो आसानी से साफ हो जाती, तो वो तो मैंने कर दिया आप देख सकते हैं। तो कोई कोई है तो मैं फोन कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं इधर तो हो गया है और ये हमारी आर्च जो ये डिजाइनर ये भी हो गई, हमारी एंटिक
पिंकी कलर एंटिक होता है, पुराना था, वो ले ही करवाते हम। और अभी ऊपर का थोड़ा पोर्शन बाकी है, अभी वो खाना खाने चले गए हैं, उनके खाने का समय हो गया, वापस आके करेंगे। और वो वाला वरंडा करेंगे, ये आगे का हो गया और ये वाला वरंडा हो गया। तो कितना अच्छा लगने लग गया पोताई होने के बाद में। और अभी ये सब गमले वमले, जब पोताई होने के बाद में ये गमले पोतवाते हूँ, क्योंकि जो भी छुट्टे वीटे पड़ते हैं तो इन पर पड़ जाते हैं। उसके बाद जब बागवान जी आएंगे तो इनसे ये गमले में भी कलर कराऊंगी मैं। मेरे बर्थडे की खुशी में आप लोग है ना, सफाई हो गई पोताई करा रहे हो। अरे इतना दिन से बता रहे थे, इसको भी आज ही आना था, तो ये आया कि भाई अर्जुन भाई का बर्थडे है आज, ये पोतेंगे भाई चारों तरफ। देखिए आप ये क्या किए, देखो इनको अखबार भी दिए, देखो बिछाया नहीं, देख क्या क्या है आंगन में, ट्यूब में फेंकी है, वहाँ कैरी में ढोल दिया, मैं किस कितनी मुश्किलों से सब साफ करती हूँ, ये मेरे को बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं। भाई जी तो करते ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है। देखो आप क्या चारू मेर अपनी पसंद का तो मंगाया ही नहीं, कारीगर की पसंद का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कारीगरों की पहली पसंद एक्रिलिक डिस्टेंपर। मालिकों की नहीं कारीगरों की पहली पसंद, कारीगरों की चलेगी इधर, मालिक तो कुछ नहीं है। मेरे खाते के अंदर इन लोगों ने डाल दिया रोकड़ा मम्मी अपन, इधर 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 आगे हो, थोड़ा सा आगे हो, यहाँ से क्लियर पड़ रहा है। कितना रोकड़ा दिया आप लोगों ने मुझे, आप खुद ही बता दो। 1 लाख रुपए दिए। अब इन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था, या तो कोई चीज ले ले या कर ले, चीजें मेरे पास सारी सब कुछ है। मैं थोड़ा सा क्या है कि जो चीज मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, वो लेने में बिलीव करता हूँ। तो मैंने उस 1 लाख रुपए से क्या लिया वो मम्मी, चलो मम्मी आप ही बताओ। शेयर लिया। मैंने कौन से लिया ना, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। आ गए दूसरे स्पॉन्सर वहां खड़े हुए दूर। पापा कितना पैसा दिया मेरे को है, कितना पैसा दिया मुझे, इसको मुझे ये क्या है, लाख में गिन ले। 1 लाख उंगलियां कितनी भी होती है ना, उसके आगे लाख लगा लो बस। अब देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं जब बचपन में मतलब बर्थडे वगैरह आते थे ना, कभी भी मैंने किसी चीज के लिए जिद नहीं करी है, एक भी चीज के लिए नहीं करी। मुझे पता नहीं ना कुछ खाने पीने का ज्यादा शौक था, ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे मैटेरियलिस्टिक चीजें बचपन से ही कभी ज्यादा पसंद नहीं रही। ये देख लो इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर काम चल रहा है। तो चांदनी जाओ पुरानी, चांदनी चाहिए चांदनी। ये देखिए ये इसके बारे में बात हो रही थी, इससे क्या है मजदूर को चांद देखना है क्या, चांदना है। अच्छा चलो एक चीज बता देता हूँ कि अभी जैसे ये जो फ्रेश मैंने जो बाय की है ना, जो मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला है 1 लाख रुपीज का, उसका ऑलमोस्ट मैंने अभी जस्ट मैंने निकाला, तो मैंने कहा ये जरूर शेयर करता हूँ। तो उसके अभी 3 दिनों में उसका ऑलमोस्ट 6.5% जो रिटर्न है वो मेरे को मिल चुका है, मतलब जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना उसका 6.5% मेरे पास उसके ऊपर आ चुका है। थैंक यू और ये है टी शर्ट,
और ये मोजे भी हैं, साथ में मोजे भी हैं। तो अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है और पहले सुबह हमने बना दिए थे हलवा, भोग लगा दिए जैसे कि ट्रेडिशनल है, दादू साहब इसके हमेशा से कहते थे और कुछ भी बनाओ हलवा जरूर बनाओ। तो आज आ गए थे अचानक से, पेंटिंग वाले इतने दिन से बुला रहे थे, तो फिर फटाफट से और भी छोटे मोटे कई काम हो जाते हैं, फिर मम्मी के यहाँ भी जाके आई थी और उसके बाद आके फिर सफाई और ये सब पेंटिंग अधिक पर कार्यक्रम चला, तो उसके चलते मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने खीर है, हलवा है, काफ़ी चीज़ें सुबह बना ली। उसके बाद है ना हमने जलेबी और गुलाब जामुन और कुछ भी मिठाइयाँ वगैरह मंगवा ली थी और केक कट कर लिया है और यहाँ पे राधिका अर्जुन के लिए लेके आई है गिफ्ट। तो हमने तो हमारे दे दिया था कैश कि भाई अपनी इच्छा से कुछ भी उसका करेगा, तो वो इसके दादी साहब और सब बड़ों का आशीर्वाद मिल चुका है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मुस्कुराता परिवार चाहिए बस, इससे ज्यादा खुशियां वही होती है बस, और क्या, ये तो सबसे अहम है।